लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पूजा, पूजा, खुश में होगी। अमर भैया, देखिए ना मुझे। चलो मेरे साथ। तू तो बड़ा तेज निकला यार। बिजली और तूफान का सहारा लेकर किले की दीवार से निकल आया और तूने सोच लिया कि तुझे किसी ने देखा ही नहीं। बिजली भी हमारे किले पर जरा डर कर चमकती है। लगता है तेरे कैमरे की फ्लैश की चमक बिजली से कुछ ज्यादा है। ए, ला वो कैमरा और बैग हमारे वाले करते। आई चुप। इस कैमरे में तुम लोगों की काली करतूतें बंद है, जिसके जरिए मैं तुम सबको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। वो तो बात की बात है, उससे पहले हम तुमसे तुम्हारा लाइफ छीन लेगा। तू अपनी लाइफ की फिक्र कर कुरे। तुम्हारा स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा इतिहासकार। तू किले में घुसना चाहता था पुस्तक लिखने के लिए और बाहर निकला है चोरों की तरह हमारे भेद लेके परमानेंट। देख हमने तेरे लिए क्या बनाया वृत्त। अबे तू कौन है भेड़िए, जल्दी बता नहीं तो तेरा यही क्रियाक्रम कर देंगे, समझे? अरे क्रियाक्रम तो मैं तुम सबका कर दूंगा। जानना चाहता है मैं कौन हूँ? मैं एक CBI ऑफिसर हूँ। तुम सबकी भलाई इसी में है कि चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पूजा, ये बैग लेकर पुलिस स्टेशन जाओ, चल पकड़ो उसे। सूरत है इस कत्ल की चश्मदीद गवाह, ले चलो इसे और इसकी लाश को खाई में फेंक दो। Thank you.
पूजा अंदर है, उसे क्यों उठा ले आए हत्यारे? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कोई है? कोई है? कोई सुन रहा है मेरी आवाज? मैं कहता हूं बाहर निकालो मेरी पूजा को। पूजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तू कौन है रे, इस तरह दरवाजा को पीट रहे? कल रात को कुछ गुंडे मेरी मंगेतर को उठाकर इस किले में ले आए हैं, बाहर निकालो उसे। लड़की, गुंडे इस किले में? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया दोस्त? तू गलत एड्रेस पे आ गया, चल यहाँ से परमानेंट। उसके लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। ओए, अंदर गुस्सा चला आ रहा है, चल हट। केर सिंह के होते हुए गुस्से का आ जाते हैं लड़की ढूंढ रहे। चलो परमानेंट अंदर। दरवाजा खोलो। लगता है लड़के ने कुछ देख लिया। इससे पहले के मामला बड़े, प्रिंस से पूछ लेना चाहिए कि लड़के का करना क्या है। वेलकम प्रिंस, वेलकम। उस इंस्पेक्टर के कत्ल की चश्मदीद गवाह लड़की को मेरे सामने पेश करो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सोना है, अगर ये सज जाए तो पिछलियां गिर जाएंगी। प्रिंस ने खूबसूरती और सादगी का ऐसा जलवा पहली बार देखा है। वाह वाह, ऊपर वाले की जितनी तारीफ की जाए कम है। किसी किसी को इतना खूबसूरत बना देता है कि आंखें ही नहीं हटती। मुझे आग लग गई है बुलबुल, तुझे देखकर ही जलने लगा हूं। छूलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन तेरा ये अनछुआ रूप मुझे मजबूर कर रहा है। अब बुलबुल मेरी बाहों में आ जा, आ जा। देख, मैं तुझे यहां की जिंदगी के नशे में डुबो दूंगा। आ जा प्रिंस। राय साहब आ गए। राजा साहब, बिना इतला, बिना टेलीफोन। शेर सिंह का फोन था कि राजा साहब गेट पे पहुंच गए। पूरे किले का नक्शा बदल दो, बुलबुल को ले जाकर तहखाने में डाल दो। मैं उनके स्वागत के लिए जा रहा हूं। मेरी पूजा कल रात से इस किले में कैद है। मैं रात भर इन पहरेदारों से, इन दीवारों से सर टकराता रहा, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा। आप यहाँ के राजा हैं, इंसाफ कीजिए। दो मावी तक इधर ही है, हट यहाँ से परमानेंट। नहीं शेर सिंह, कहने दो उसे जो कहना चाहता है। कौन नौजवान, क्या कहना चाहते हैं? कुछ गुंडों ने मेरी मंगेतर को उठाकर इस किले में कैद कर लिया। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? क्या अंदाजा है तुम्हें कि हमारे इस किले की कितनी इज्जत की जाती है? लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज मुझे एक बार अपनी पूजा को ढूंढने अंदर जाने दीजिए। सरकार, हमका तो ये बबुआ सचमुच बहुत दुखी लागत है। अब सच झूठ का फैसला तो अंदर चल के हुई। ठीक है, सुनो नौजवान, हम अंदर जाकर तहकीकात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा यह दावा गलत निकला तो तुम्हें मुआफ नहीं किया जाएगा। शेर सिंह, अंदर आने दो इसे। इन दीवारों को चीखना चिल्लाना सुनने की बहुत आदत है, चल। तुम्हारी तकदीर तुम्हें उस काल कोठरी में ले आई है बुलबुल, जहां की खामोशी पड़ों पड़ों का दम तोड़ देती है। ये वो जगह है जो बहुत जल्द तुम्हें हमारी मर्जी के आगे झुकना सिखा देगी। चलो। हेलो। प्रणाम डैड। माय डियर सन, माय प्रिंस। सो हैप्पी टू सी यू डैड। सो एम आई। नमस्कार प्रिंस बबुआ, नमस्कार। कैसे हो तांडव काका? बस आनंद ही आनंद है प्रिंस बबुआ। जब तीन पीढ़ी से राजा साहब की कृपा है,
तो चिंता काहे की। वेलकम वेलकम राजा साहब। नमस्कार राजा साहब। आखिर आपको हमारी याद आई गई। याद तो आती रहती है दीवान जी, लेकिन क्या करें, फुर्सत भी तो मिलनी चाहिए यहाँ आने की। आपकी बार तबीयत कुछ लग नहीं रही थी, इसलिए सोचा कि तुम लोगों के साथ कुछ दिन रह लेंगे और उसके बाद सिंगापुर चले जाएंगे। आइए राजा साहब। राजा साहब, आपने मेरी पूजा के बारे में पूछताछ की? हाँ प्रिंस, यह नौजवान मेन गेट पर बड़ा परेशान था। इसका कहना है कि एक लड़की को उठाकर इस किले में लाया गया है। लड़की हुँ? और इस किले में? Yes. What nonsense! झूठ बोल रहा है। झूठ ये लोग बोल रहे हैं राजा साहब। मेरी पूजा इसी किले में है, उसे यहाँ लाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको क्या लगता है राजा साहब, जिस किले को लोग मंदिर की तरह मानते हैं उस किले में ऐसी कमीनी हरकत की जा सकती है? आप लोग चलिए, मैं अभी इसकी गलतफहमी दूर करके आता हूँ। आइए डैड। आइए राजा साहब। हाँ भाई, क्या हंगामा? कौन सी लड़की, कौन लाया इधर? चलो बाहर निकलो इसे। हटो, जाने दो मुझे। राजा साहब, ये लोग मुझे यहाँ से भगा देना चाहते हैं। ये लोग सच्चाई पर पर्दा डालना चाहते हैं। मैं अपनी पूजा को लिए बिना नहीं जाऊंगा। प्लीज राजा साहब, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अरे जो है ही नहीं, उसे ढूंढ कहां से लेगा तू? ये हमारे किसी दुश्मन का एजेंट भी तो हो सकता है। ओ का फिकर मत करो प्रिंस बबुआ, एजेंट हो एजेंट हुई तो हमसे बच के कहां जाई? और फिर राजा साहब को अपना खानदानी दस्तूर भी तो निभाना है। ई दरवाजे से कौन फरियादी कभाव खाली हाथ नहीं लौटा। तांडव ठीक ही कहता है प्रिंस, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। जाओ नौजवान, जाओ, सारा किला तुम्हारे सामने पड़ा है, जाओ ढूंढ लो उसे। थैंक यू सर। पूजा पूजा सत्यानाश हो बिमला, तेरा बेटा मेरे यहाँ डाका डालने आया, इसीलिए मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई। तेरे शनि को तो राहु केतु खा जाए। अरे जादूगरनी तो तेरी बेटी निकली, जो मेरे शेर जैसे बेटे को खरगोश बना के उठा। बिमला तू चुप है, बहुत गड़बड़ कर रही तू। चौधरी बहुत सुन चुका इनकी। और नहीं तो क्या, चार दिनों के लिए हम बाहर के आ गए कि इन लोगों ने यहाँ तूफान खड़ा कर दिया कि बच्चों को घर छोड़ के जाना पड़ा। अरे ये सब किया कराया तुम्हारी बेटी का है ना, वो हमारे घर आती ना उसके पीछे पीछे हमारा बेटा जाता। तू उसे घर में नहीं रह सकती थी, उसी रात खड़े खड़े फैसला सुना देना जरूरी था। चार दिनों के लिए हमारा इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे वो सूरज के बिना नहीं रह सकती, तो क्या सूरज उसे तूफान में भटकने के लिए छोड़ देता? और ये सब तुम लोगों के कारण हुआ, तुम लोगों ने उन दोनों की जिंदगी में आग लगाई। बताओ कहां ढूंढूं मैं अपनी बेटी को, और ये केदार कहां ढूंढेगा अपने सूरज को?